स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल स्टूडेंट ट्यूटोरियल। आई एम शबनम खान। टुडेज टॉपिक इज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। लास्ट के वीडियो में हम लोग ने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को स्टार्ट कर लिया था। उसमें हम लोगों ने कुछ पार्ट को पढ़ भी लिया था कि भाई कहाँ पे कौन सा पार्ट होता है। आज उसका कंटिन्यूएशन है, हम वहाँ से आगे को इस चीज़ को कंटिन्यू करेंगे। देखो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने क्या देखा था, टेस्टिस का स्ट्रक्चर देखा था। ये स्ट्रक्चर जो है फुल मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का है और ये स्ट्रक्चर जो है वो टेस्टिस का स्ट्रक्चर है। यानी हम जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पे जो टेस्टिस प्रेजेंट है उसी को हमने यहाँ पे लाके इसको काफी ब्रॉडली और काफी अच्छे से उसके हर एक इंटरनल पार्ट का स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भाई ये क्या है और ये क्या है, ये कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बता रही हूँ कि ये जो चीज है यानी ये टेस्टिस का पार्ट है, दिस पार्ट इज कम हेयर इन अ बिग फॉर्म जिससे आप उसके हर एक इंटरनल पार्ट को समझ सको। क्योंकि स्पर्म का फॉर्मेशन टेस्टिस में हो रहा है और टेस्टिस के इंटरनल पार्ट इन्वॉल्व है इस रिप्रोडक्शन में, इसलिए भाई इस प्रोडक्शन में इसीलिए भाई हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर को जानेंगे कि टेस्टिस में कहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है और कौन से स्ट्रक्चर में हो रहा है और कैसे वो स्पर्म ट्रेवल करके पहुँच रहा है अपने मेन टारगेट तक। तो ये तक यहाँ के लिए हमें टेस्टिस का इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि टेस्टिस एक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, वो एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर में हेल्ड डाउन होती है। इस पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, स्क्रॉटम बोलते हैं। स्क्रॉटम जो होती है, स्क्रॉटम एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम स्क्रॉटम सैक भी बोलेंगे। इसमें टेस्टिस क्या होती है, हेल्ड डाउन होती है। ये कहाँ प्रेजेंट होती है, ये एब्डोमिनल जो हमारा एब्डोमिनल पार्ट है यानी पेट के नीचे प्रेजेंट होता है। जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में ये बॉडी के अंदर एब्डोमिनल में होता है, जब बच्चा बर्थ होने वाला रहता है तो ये हेल्ड डाउन हो जाता है। किसी किसी बच्चे में कभी कभी ये भी प्रॉब्लम होती है कि ये बाहर नहीं हेल्ड डाउन हो पाता है, तो उनको सर्जरी के जरिए उनका ये जो स्कॉटम पार्ट है उसको बाहर किया जाता है। ठीक है, स्कॉटम जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये जो होता है एक इसको पोजीशन प्रोवाइड कर रहा है और टेम्परेचर, क्योंकि हमारी बॉडी का जो ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड एक नॉर्मल टेम्परेचर माना जाता है। स्कॉटम जो होता है मेल का, उसमें जो बॉडी टेम्परेचर है वो नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 या 3 डिग्री यानी 2 and 3 degrees टेम्परेचर जो है कम होना चाहिए। 2 से 3 degree टेम्परेचर क्या होना चाहिए स्कॉटम का, ह्यूमन बॉडी से कम होना चाहिए, क्योंकि वही टेम्परेचर जो होता है बेस्ट होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। स्कॉटम के अंदर ही तो टेस्टिस है और टेस्टिस में ही तो स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो स्कॉटल सेक है उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर से 2 से 3 degree सेंटीग्रेड जो होता है कम होना चाहिए। इसीलिए क्योंकि ये टेम्परेचर, दिस टेम्परेचर इज बेस्ट फॉर द स्पर्म फॉर्मेशन, बेस्ट फॉर द स्पर्म मेटोजेनेसिस। ठीक है, अब क्या होता है कि जब ठंड पड़ती है, दिस इज अ फैक्ट कि जब यू नो इन जब टेम्परेचर डाउन होता है इन द कोल्ड वेदर, दिस स्कॉटम सैक जो होता है इट्स श्रिंक कर जाता है, इट्स गोइंग टू बी श्रिंक बिकॉज ड्यू टू द कोल्ड वेदर। तो ये क्या होता है, दिस टाइम जो स्कॉटल सैक होता है वो बॉडी से नियरेस्ट हो जाता है, बॉडी के करीब चला जाता है, जिससे वो बॉडी से टेम्परेचर या हीट को लेता है। ठीक है, जैसे ही समर का सीजन आता है यानी बॉडी टेम्परेचर थोड़ा बढ़ता है तो वो लूज होता है, स्कॉटम सैक जो होता है वो लूज हो जाता है और वो बॉडी से थोड़ा दूर उसका पोजिशन हो जाता है। तो ये भी एक फैक्ट है कि किस तरह से स्कॉटम सैक का टेम्परेचर जो बॉडी टेम्परेचर है उसे 2 से 3 degree सेंटीग्रेड कम होना चाहिए। दूसरा, ठंड में ये श्रिंक हो जाता है और बॉडी के नियर साइड में चला जाता है जिससे वो बॉडी से टेम्परेचर थोड़ा लेता है। और गर्मी जब समर वेदर आता है टेम्परेचर बॉडी का या फिर बाहर का हीट होता है तो ये यू नो थोड़ा उसका स्किन लूज होता है और वो बॉडी से थोड़ा दूर की तरफ जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द फैक्ट। ठीक है, अब हम लोगों ने इस स्ट्रक्चर के बारे में जाना है कि स्कॉटल सैक में क्या प्रेजेंट है, टेस्टिस प्रेजेंट है। टेस्टिस में ल्यूब्यूल्स होते हैं जिसका अगर हम नंबर्स देखें तो ये 15 से 18 के बीच में इसका क्या नंबर्स होता है, 15 टू
18 के बीच में इसका लुब्रुस का नंबर्स होते हैं। ये लुब्रुस जो होते हैं चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो कंपार्टमेंट कह सकते हैं टेस्टिस को इस तरह से कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम लुब्रुस बोलते हैं। इसके अंदर क्या पाई जाती है, 2 से 3 ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का क्या काम होता है, इट इज इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। इस सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही पाए जाते हैं लेडिक सेल, जिसको हम इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं हार्मोन्स निकालने के लिए, जो हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, क्योंकि मेल में एक ही हार्मोन्स होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कोई भी सेकेंडरी यू नो प्राइमरी हो या सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो होते हैं उनको मैच्योर करने में या एक्टिव करने में इन्वॉल्व होते हैं, क्योंकि भाई वो प्रोड्यूस हो रहे हैं पूरी बॉडी में, ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में वो जा रहे हैं, तो वो उस तरह से चीज़ों को एक्टिवेट करते रहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया है स्पर्म का फॉर्मेशन। अब स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया तो टेस्टिस में तो स्पर्म को नहीं रहना है ना, तो अब स्पर्म को टेस्टिस से बाहर आना है। अब उसके लिए क्या होगा कि जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं वो अब धीरे धीरे उनका ट्यूब्यूल्स जो है बाहर की साइड जो निकलना है, अब उसी के थ्रू स्पर्म भी बाहर निकलेंगे। अब टेस्टिस से सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के थ्रू स्पर्म बाहर निकल रहे हैं। अब ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो होता है बाहर इतनी बड़े यू नो अमाउंट में नहीं जा सकता है, इसीलिए ये 2-3 ट्यूब्यूल्स अपने साथ ज्वाइंट होकर एक ट्यूब्यूल्स बना के बाहर निकलते हैं, जिसको हम इफ्रेन डक्ट बोलते हैं या वासा इफ्रेंशिया बोलते हैं, ठीक है, नॉट डिफ्रेंशिया, इफ्रेंशिया। अब ये ट्यूब्यूल्स जो होते हैं कहाँ जा रहे हैं, ये जा रहे हैं एपिडाइडेमिस में। एपिडाइडेमिस एक डक्ट होती है, एक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे स्पर्म जो होते हैं शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करते हैं। ये एपिडाइडेमिस जो होती है इनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, इनको यू नो एक स्टे करने का पूरा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करती है जो उनको चाहिए रहता है, ठीक है। एपिडाइडेमिस जो होती है वो 3 पार्ट में डिवाइड होती है, हेड, बॉडी एंड इसका लोअर पार्ट, ठीक है। तो ये सारा जो पोजीशन है ये पूरा एपिडाइडेमिस की स्ट्रक्चर है। एपिडाइडेमिस जो होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो टेस्टिस के बैक साइड में, ये देखो ये टेस्टिस इसके बैक साइड में ये पूरी तरह से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर दिखता है। इस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ही स्पर्म जो होता है शॉर्ट टाइम के लिए स्टे करता है, जहाँ पे इसको फुली न्यूट्रिशन और इन्वायरमेंट मिलता है, ठीक है। तो ये एपिडाइडेमिस जो होता है वो टेस्टिस के बैक साइड से जाता हुआ स्ट्रक्चर होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसके 3 पार्ट होते हैं, हेड, बॉडी और टेल, ठीक है। अब ये जो एपिडाइडेमिस होता है अब वो आगे एक जो दूसरा ट्यूबुलर और पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है उसमें ओपन होता है, उसमें स्पर्म को ले जाके देता है, उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंशिया, नॉट इफ्रेंशिया। दिस पार्ट इज कॉल्ड इफ्रेंट डक्ट या वासा इफ्रेंशिया एंड दिस ट्यूब इज कॉल्ड स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंशिया। क्या बोलते हैं, स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंशिया, ठीक है। तो समझ में आया, एक मिनट में यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया, हम लोगों ने ये स्कॉटल सैक बनाया, उसमें ये टेस्टिस बनाया, ठीक है, उसमें टेस्टिस में ये चैम्बर लाइक स्ट्रक्चर बनाया, कंपार्टमेंट लाइक स्ट्रक्चर बनाया, ठीक है, जिसके अंदर 2-3 ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ये सारे ट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ ओपन हुए और जब बाहर की तरफ निकले, क्योंकि इतने अमाउंट में होते हैं कि जब इनको बाहर निकलना होता है तो वे कई ठो एक साथ ज्वाइंट होकर बाहर निकलते हैं, ठीक है, ये टेस्टिस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है। अब ये बाहर निकल के एक बड़े से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर में, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में ज्वाइंट हो जाते हैं, ठीक है। अब स्पर्म तो यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्म का फॉर्मेशन हो गया, और स्पर्म उसके सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में जब बन गए हैं तो इस पाथ से, ये जो पाथ है इससे वो बाहर की तरफ निकलते हैं टेस्टिस से, और कहाँ आके स्टे करते हैं, एपिडाइडेमिक्स में स्टे करते हैं। एपिडाइडेमिक्स जो होता है उनको फंक्शनली और मैचुरेशनली उसको एक इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है, जहाँ पे वो ग्रोथ करते हैं, एक तरह से कह सकते हैं।
अब वहां से ये जो है आगे बढ़ते हैं, इनके तीन पार्ट होते हैं हेड, मिडिल और टेल। अब यहाँ से ये पार्ट यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ से ये डक्ट निकल रही है। अब ये डक्ट को हम कहाँ देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे, ये देखो ये क्या है, एपिडाइडेमिक्स है। क्या है, एपिडाइडेमिक्स है, आई थिंक ग्रीन कलर दिख रहा होगा, ये एपिडाइडेमिक्स है। उसका में हेड, मिडिल बॉडी और टेल पार्ट यहाँ तक आया। अब यहाँ से ये जो रेड कलर का पार्ट है ये स्टार्ट हो रहा है, इसको हम बोलेंगे स्पर्म डक्ट या वासा डिफरेंशिया बोलेंगे। यही यहाँ पे ये है जो इस डक्ट को लेके कहाँ जा रही है, स्पर्म को लेके स्पर्म डक्ट कहाँ जा रही है, एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल कैविटी में जा रही है। यानी ये जो स्कॉटल से टेस्टिस को से स्पर्म को लेके एपिडिडिमिस में गया, उस डक्ट में वहाँ पे न्यूट्रिशन मिला, वहाँ पे उसको फंक्शनल किया गया, वहाँ पे उसको मैच्योर किया गया, वहाँ से वो स्पर्म डक्ट से बाहर की तरफ निकल के एब्डोमिनल कैविटी में जाती है। और इस कैविटी में हमको पता है कि यूरिन का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रेजेंट होता है, यूरिनरी ब्लैडर्स प्रेजेंट होता है। उसी के ये ऊपर से देखो, ये जो रेड वाला है वो उसी के ऊपर से ये जाता हुआ स्ट्रक्चर है हमारा वासा डिफरेंशिया या स्पर्म डक्ट। यहाँ से ये एपिडाइडेमिक से ले लिया स्पर्म को, इसका ये हेड पार्ट है, बॉडी पार्ट है, टेल पार्ट है। यहाँ से स्पर्म को लेके ये यहाँ से देखो ये कहाँ जा रहा है, यूरिनरी ब्लैडर्स के ऊपर से ये निकलता हुआ इधर से आ रहा है। ठीक है, तो देखो जब अगर मेल बॉडी की बात की जाए तो उनका यूरिन पास करने का या स्पर्म पास करने का एक ही स्ट्रक्चर है, यूरेथ्रा, जहाँ से वो निकलता है। तो ये जो स्पर्म जा रहा है वो यहाँ पे मिल जा रहा है ब्लैडर्स के यूरेथ्रा, यानी जो यूरिन आ रहा है उसके साथ मिलके ये कॉमन पाइप बना के यूरेथ्रा बाहर, यूरिन स्पर्म दोनों एक ही पाइप से या एक ही स्ट्रक्चर से बाहर निकलते हैं। ठीक है, तो मेल में एक ही स्ट्रक्चर यूज होता है यूरिनेशन और स्पर्म रिलीज करने के लिए। तो यहाँ से वासा डिफरेंशिया जो है यूरिनरी ब्लडर्स, यानी जो हमारे यूरिन का स्ट्रक्चर होता है एक्सक्रीटरी सिस्टम में, उन्होंने पढ़ा था, उसके ऊपर से ये जाता हुआ ट्यूब दिख रहा है। अब यहाँ तक हो गई डक्ट की बात। मैंने बताया था ना एपिडाइडेमिक्स डक्ट है, स्पर्म डक्ट है, ये सब डक्ट जो होती हैं डक्ट्स में आती हैं। तो हम लोगों ने एक मेन पार्ट पढ़ लिया टेस्टिस, उसके बाद हम लोगों ने डक्ट्स के पार्ट्स पढ़ लिए जिसमें होती हैं वासा डिफरेंशिया, एपिडाइडेमिक्स, ये सारी क्या होती हैं डक्ट्स के पार्ट हो गए। अब हमारा थर्ड मेन पार्ट है जो क्या है, ग्लैंड। अब ये ग्लैंड का क्या यूज है और वो कहाँ प्रेजेंट है। अब देखो, अब ग्लैंड का टर्न आ रहा है, ग्लैंड देखो ये जब वासा डिफरेंशिया यहाँ पे टर्न करके आई तो यहाँ पे तीनों ग्लैंड एक एक करके प्रेजेंट है। क्या है, एक एक करके तीनों ग्लैंड प्रेजेंट है। पहले क्या है, सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, उसके बाद प्रोस्टेट ग्लैंड प्रेजेंट है, उसके बाद क्या प्रेजेंट है, कॉपर्स ग्लैंड प्रेजेंट है। ये कॉपर्स ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है और ये सेमिनल वेसिकल है, जो जब वैसा डिफरेंशिया स्पर्म को कैरी करके यूरिनरी ब्लैडर्स के ऊपर से लेके जब आ रहा है तो उसी पाइप में क्या ज्वाइंट हो जा रहा है, सेमिनल डक्ट। डक्ट मतलब पाइप, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो सेमिनल वेसिकल से निकलता है, यानी ग्लैंड से निकलता है। वो कहाँ पे जॉइंट हो जा रहा है, वासा डिफरेंशिया में जॉइंट हो जा रहा है। अब मैं यहाँ पे डायग्राम के थ्रू बताती हूँ ताकि आपको और समझ में आए। देखो ये आ रहा है वासा डिफरेंशिया, क्या आ रहा है, ये वासा डिफरेंशिया आ रहा है ना, ये वासा डिफरेंशिया ये जो जा रहा है ये यहाँ से निकला, यूरिनरी ब्लैडर्स के ऊपर से निकल के गया। अब यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, ये ग्लैंड है, इसका भी एक इम्पॉर्टेंट रोल है। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल प्रेजेंट है, ग्लैंड। अब यहाँ से एक डक्ट निकलेगा, ये डक्ट निकला और ये आके किसमें ज्वाइंट हो गया, किसमें ज्वाइंट हुआ, वासा डिफरेंशिया में ज्वाइंट हुआ, जो क्या लेके आ रही है, स्पर्म लेके आ रही है। कहाँ से लेके आ रही है, टेस्टिस से लेके आ रही है। ठीक है,
टेस्टिस से लेके आ रही है। सेमाइनल वेसाइकल में अपना एक फ्लूड है जिसको हम सेमाइनल फ्लूड बोलेंगे। अब वो यहाँ से रिलीज किया फ्लूड को, सेमाइनल डक्ट में आया। अब सेमाइनल डक्ट जब ओपन हो रही है वासा डिफरेंशिया में, तो स्पर्म और फ्लूड दोनों मिल गए, और जब ये जो डक्ट हो गई एक कॉमन डक्ट में बन गई, इसका डक्ट उसका वासा डिफरेंशिया और सेमाइनल डक्ट दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बन गए, जिसको हम क्या बोलेंगे, इजेकुलेटरी डक्ट। क्या बोलेंगे यहाँ पर लिख दूंगा, जो डक्ट यहाँ पे दिख भी रहा होगा, देखो मैंने यहाँ पे बनाया भी था, कहाँ गया, इजेकुलेटरी डक्ट आई थिंक दिख नहीं रहा है। चलो यहाँ पे जो ये कॉमन डक्ट आ रही है डेट इज इजेकुलेटरी डक्ट, क्या हो जाएगी, इजेकुलेटरी डक्ट, ठीक है, ये कॉमन डक्ट हो जाएगी, यानी वासा डिफरेंशिया वहां तक खत्म एक तरह से हो गई। वासा डिफरेंशिया तो आ रही थी, साथ में सेमाइनल वेसाइकल का डक्ट मिल गया, दोनों मिलके एक कॉमन डक्ट बना दिए, कॉमन पैसेज बना दिया, यानी स्पर्म यहां से सेमाइनल फ्लूड दोनों मिलके कॉमन पैसेज बना दिए, जिसको हम इजेकुलेटरी डक्ट बोलेंगे। ये भी हम लोगों ने डक्ट में पढ़ा था, तीन डक्ट पढ़ा था ना, एपिडाइडेमिक्स वो भी एक डक्ट था, स्पर्म डक्ट वो भी एक डक्ट है, और थर्ड डक्ट थी इजेकुलेटरी डक्ट, जहाँ पे सेमाइनल फ्लूइड सेमाइनल वेसाइकल से आके मिलता है और वासा डिफरेंशिया से स्पर्म आके मिलता है। अब भाई सेमाइनल फ्लूइड क्यों, क्या काम है उसका? सेमाइनल फ्लूइड जो होता है वो एक मिल्की लाइक मिल्की फ्लूइड होता है, जो स्पर्म को मोटिलिटी प्रोवाइड करता है, उसको और एक्टिव कर देता है, ठीक है। तो यहाँ से आया स्पर्म, क्या आया यहाँ से, स्पर्म आया, यहाँ से सेमाइनल क्या आया, सेमाइनल फ्लूड आया, ठीक है, और दोनों मिल गए यहाँ पे। अब ये जब यहाँ पे मिल रहे हैं, इसमें स्पर्म भी हो गया और सेमाइनल फ्लूड भी हो गया, ठीक है, जो मिल्की लाइक स्ट्रक्चर होता है, मिल्की फ्लूड होता है, स्पर्म और सेमाइनल फ्लूड, इन दोनों को कॉमनली हम क्या बोलेंगे, सीमेन, क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सीमेन बोलेंगे, जो एक फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पर्म के साथ मिल जाता है और उसको और ज़्यादा मोटाइल बनाता है, क्योंकि इससे पहले स्पर्म जो होता था वो इतना मोटाइल नहीं था, बहुत लाइटली अपना था, पर जैसे ही सेमाइनल फ्लूइड उसके साथ मिलता है, स्पर्म और एक्टिव हो जाता है और ज़्यादा मोटाइल हो जाता है, जिससे उसकी मोर्टैलिटी बढ़ जाती है। इस स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड्स को हम बोलेंगे सीमेन, क्या बोलेंगे, सीमेन, जो एक फ्लूइड होता है जो स्पर्म को और क्या करता है, और ज़्यादा एक्टिव कर देता है। तो ये बात हुई सेमाइनल फ्लूइड की, यानी हमने जो ये सेमाइनल वेसाइकल का स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे हमने मिला दी, यही था ना सेमाइनल वेसाइकल, जो वासा डिफरेंशिया में मिलके इजेकुलेटरी डक्ट बना देता है, कॉमन डक्ट बन जाती है, यहाँ पे दोनों का एक जो कॉम्बिनेशन होता है उसको हम बोलेंगे इजेकुलेटरी डक्ट। अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो रही है, इजेकुलेटरी डक्ट स्टार्ट हो रही है। अब ये देखो मैंने यहाँ तक रेड कलर का बनाया, जब वो ग्रीन कलर के सेमाइनल वेसाइकल से मिल गया है तो अब वो ब्लैक कलर का बन गया, ठीक है, ये जो अब डक्ट बजा रही है ये ब्लैक कलर की हो गई है। अब क्योंकि स्पर्म के साथ सेमाइनल फ्लूइड मिल गया है, मिल्क स्ट्रक्चर मिल गया है, तो स्पर्म और मोटाइल हो गया है, तो फर्स्ट ग्लैंड सेमाइनल वेसाइकल जिससे निकला सेमाइनल फ्लूइड, जो सेमाइनल डक्ट से निकल के जाके वैसा वासा डिफरेंशिया से जो स्पर्म आया था उसमें मिल गया, एक इजेकुलेटरी डक्ट बन गई जिसमें सीमेन प्लस स्पर्म प्लस सेमाइनल फ्लूइड मिल गए, जिसको हम अब सीमेन बोलेंगे, ठीक है। अब उसके बाद आती है सेकेंड ग्लैंड जिसको हम प्रोस्टेट ग्लैंड बोलते हैं, ये वाला स्ट्रक्चर, ये बाइलोब्ड स्ट्रक्चर होता है और जस्ट वहीं पर पाया जाता है, बस उससे थोड़ा आगे बढ़ेगा इजेकुलेटरी डक्ट तो क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा वहां पे, प्रोस्टेट ग्लैंड मिल जाएगा। प्रोस्टेट ग्लैंड भी एक टाइप का फ्लूइड निकालती है, एक मतलब प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करती है कि जो मीडियम होता है उसको एल्कलाइन बनाने का काम करती है। एल्कलाइन मतलब पीएच जो होता है 7.5 हो जाता है, यानी 7 से अबव हो जाता है, तो मीडियम क्या होता है, एल्कलाइन हो जाता है, ठीक है। तो जो फीमेल में एसिडिक मीडियम को ये कम करता है, तो जो सीमेन आ रहा है उसको प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है अपना जो भी मटेरियल निकालता है और उस सीमेन को एल्कलाइन बना देता है, उसका पीएच 7.5 कर देता है, ठीक है। तो अभी तक हम लोग ने
क्या क्या पढ़ लिया, हम लोगों ने पूरा टेस्टिस का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, अब वो कहाँ से स्पर्म किधर से कहाँ जा रहा है उसका मूवमेंट देख लिया, और हम लोगों ने दो डक्ट भी, दो ग्लैंड भी देख ली, सेमाइनल वेसाइकल और पोस्टर ग्लैंड देख लिया। तो अभी तक के लिए यही स्ट्रक्चर ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि ज़्यादा एक साथ पढ़ लेंगे तो हौच पौच हो जाएगा, समझ में कम आएगा, तो थोड़ा पढ़ें अच्छे से पढ़ें ठीक है। तो आई होप आज का जो भी है समझ में आया हो, हम इसको कल एक और कंक्लूजन ले लेंगे ठीक है, तो आई थिंक और भी क्लियर हो जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें एंड वीडियो को सब्सक्राइब करें, मतलब वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।